हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दिन के बज चुके हैं 11 और अभी हम खाना खुना खा के फ्री हुए, तो अब हम थोड़ा काम कर लेते हैं। जैसे आज आपको पता है मौसम बहुत अच्छा है, धूप बहुत अच्छी है आज। तो आज हम सोच रहे हैं कि हमने अपने धान पराली में से अलग किए थे, तो हम उनको आज सूखने डाल रहे हैं, जो कि आपको दिखाते हैं अपने धान। तो आप देख रहे हैं, ये हैं हमारे धान, ये अब हम इनको डालेंगे लेंथर पर सूखने, क्योंकि हम ये ले जा रहे हैं उठा के, बहुत भारी है ये। ये हम इनको उठा के ले जा रहे हैं, ये हमारे धान, इनको हमने पराली में से अलग किया था। अभी हम इनको सूखने डालेंगे और फिर हम इनको मशीन में ले जाएंगे, जहाँ पे इनको इनमें से चावल निकाले जाएंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये है धान हमारे। तो दोस्तों, इधर हमने ये तिरपाल बिछाया हुआ था, अभी हम इनको यहाँ पर ऐसे अलग अलग करके, थोड़ी थोड़ी दूर दूर करके इनको सूखने डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे इनको हम ऐसे थोड़ा अलग अलग करके सूखने डालेंगे। तो आज हम फिर इसके बाद, आज धूप बहुत अच्छी है, तो हम इसके बाद अपनी पराली को सूखने डालेंगे, क्योंकि आज वीरवार है, फर्स्ट डे है, तो आज हम कपड़े वगैरह धोने का काम नहीं करते हैं वीरवार को। तो आज हम ये धान और पराली सुखाने का ही काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं, कपड़े वगैरह धोने का काम नहीं करते हैं वीरवार को, तो आज हम ये धान और पराली सुखाने का ही काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने अपने धानों को धूप में सूखने के लिए डाल दिया है, तो अब हम अपनी पराली को धूप में डालेंगे। अब मैं नीचे जा रही हूँ अपनी देखने पराली को। अभी धूप तो वैसे नहीं आई है, थोड़ी ही आई है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर धूप जो है वो पड़ जाएगी। हमारे इधर पेड़ बहुत सारे हैं, तो हमारी साइड जो है वो धूप अभी लेट निकलती है। तो ये है हमारी पराली, जो कि अब हम इनको धूप में डालेंगे। तो अभी हम करते हैं काम। तो अभी हम ये उठा के ले जा रहे हैं, ये है पराली जो आप देख रहे हैं, चलते हैं इनको धूप में डालने, क्योंकि अभी हम इनको यहाँ से शुरुआत करते हैं रखने की। ये रखती है, तो अब हमने अपनी पराली को सूखने डाल दी है। आप देख रहे हैं, ये है, और कुछ मैंने यहाँ ऊपर भी डाली है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर अब बहुत ही
गंद पड़ गया तो अब मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पराली गिर चुकी है मेरे से, तो अब मुझे इसको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं इसको इकट्ठा, जैसे आप देख रहे हैं इधर बहुत गिर गई है। तो अब झाड़ू लगाने के बाद हमने जो धान में से खाली खाली निकलते हैं धान के, इसमें चावल नहीं होते हैं, ये खाली होता है। तो अब हम इसको लगाएंगे आग, और जब इसमें आग लग जाएगी यानी कि ये आग पकड़ लेगा, तब हम इसमें पॉपकॉर्न बनाते हैं जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जब ये आग लगेगी फिर ये आग पकड़ेगा, उसके बाद होता है वो पॉपकॉर्न कैसे बनाए जाते हैं। तो अब हमारी आग जल चुकी है, तो थोड़ी देर बाद इसमें मक्की के दाने डालते हैं और फिर इसको पॉपकॉर्न बनते हैं उसके। जैसे ही इसमें मक्की के दाने डालेंगे तो अब हमारी आग जो है वो जल गई है, ये देखिए। इसको ऐसे ऊपर से कर रहे हैं। ये आ रहा है हनी, अभी आ गया अपने। ये आ रहा है हनी, अभी आ गया अपने मक्की के दाने लेके। लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ है अभी। अरे मैं तो पता नहीं काम पे आया क्या के दाने। वो अभी हम बाद में बताएंगे। तो जैसे ही जब ये आग पकड़ लेगा तब हम आपको बताएंगे कि इसमें पॉपकॉर्न कैसे भुने जाते हैं। इधर लगे हैं हमारे नींबू, जो कि है हमारा नींबू का पेड़। आप देख सकते हैं इसमें कितने बड़े बड़े नींबू लगे हैं, ये दिख रहे हैं आपको। ये है नींबू, जिनका आपको पता है अचार भी डलता है और सब्जी दाल रोटी के साथ भी खाने का इसका अलग ही मज़ा होता है। है नींबू का पेड़, ये लगे हैं इसमें बहुत सारे नींबू, आप देख रहे हैं। ये है नींबू, एक एक नींबू दिखाई दे रहा होगा। और देखिए इधर ये हनी मक्की के दाने लेके आ गया। कितनी है? ये तो पूरी जेब भर के ले आया है, लेकिन अभी आग को जलने में टाइम लगेगा। दिखा रहा है जेब की और दूसरी में इसमें थोड़ी बड़ी। बता कितनी है इसमें? इसमें आप ये देखो कितनी सारी लेके आ गया। तो अभी चला जा वापस, अभी टाइम लगेगा।